मतलब अगर जब हमारे पाठ्यक्रम से शिवाजी महाराणा प्रताप झांसी की रानी ये निकल गए, हमारे बच्चों को के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक प्रार्थना कम से कम हम लोग अपने बचपन में एक प्रार्थना पढ़ा करते थे, पहले पेज पे हुआ करता था उसको लाल बाकी को, ये सब है ही नहीं है, कैसे अपने सपनों का भार भूलेगा। बहुत आपने दिल को जोड़ने वाली बात कही है और वापस वही बात कि पाठ्यक्रम लिखना जिनका काम है ये संदेशों तक जाना चाहिए। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है तो मैंने औरंगजेब को एपीजे कलाम कर दिया और जो डलहौजी रोड थी उसको दारा शिको रोड कर दिया है, जो पंचकुलिया थी उसको रानी अहिल्याबाई कर दिया है और जो सात रेस कोर्स था उसको लोक कल्याण नाम कर दिया है। तो जो मेरे हाथ में है मैं उसका सहयोग आप तक बता सकती हूँ कि मेरे और आपके विचार में कुछ अंतर नहीं है, लेकिन अपनी ताकत के अनुसार जो मेरा कार्य क्षेत्र है, जो मेरी क्षमताएं हैं, उसकी बंदिशों में जितने काम मेरे से हो सकते थे वो काम मेरे लिए। इसका आपको मैं केवल याद इसलिए दिला रही हूँ कि सब लोग एक ही थाली में मतलब एक साथ नहीं बोले जा सकते, अपने अपने हिस्से का काम हमको करने की आवश्यकता है। हाँ मैम, मेरा और मेरा प्रश्न वही है जो अजीत सिंह जी ने किया है और मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन उसका संतुष्टि पूर्वक जवाब हमें नहीं मिला है कि बीजेपी आईटी सेल में कि क्या एक यहाँ पर जो भी उपस्थित लोग हैं 150 लोग हैं उसमें से एक ही बंदे को, एक ही व्यक्ति को वो जानते हैं, या जानते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने क्या किया है। ये बहुत, ये आपने आभार प्रकट किया है, बहुत अच्छी बात है, आपने सराहना की है, अच्छी बात है, लेकिन आगे हमको कैसे एनकरेजमेंट मिलेगा। लोगों के बहुत अच्छा लिखते हैं, उन समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हैं, जो आईटी सेल उसके पास सलूशन है क्या? हाँ वही मैं जानना चाह रही हूँ कि आईटी सेल कम से कम हम लोगों को उत्साहित तो करे, एक या दो लोगों को सोशल मीडिया के लोगों को एनकरेज तो करे। अभी क्या होता है कि हम लोग कुछ लिखते हैं उसमें आके जैसे वामपंथी आप बात कर रहे थे वो आके कुछ बोल जाते हैं, हम फिर आपस में लड़के फाइट करते हैं, उसका रिजल्ट क्या है? आपकी बात सुनिया पेपर दर्जन, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके साथ ही सभी को एक बात कहना चाहती हूँ, इस पर दूसरा सवाल नहीं होना चाहिए कि हमको बीजेपी आईटी सेल को नहीं बुलाता, क्योंकि आप सब सशक्त भारतीय होने के नाते यहाँ पर आप भाजपा के प्रतिनिधि होने के नाते यहाँ पे नहीं है, इस बात को समझिए। आप राष्ट्र निर्माण के लिए हैं, समाज निर्माण के लिए, और शिकायत करने के लिए नहीं आए, सुझाव लेने और देने के लिए आए। यदि ऐसा ना होता तो हम लोग आप लोग अच्छा और आप एक पहले इतनी बड़ी खुद में सत्ता बन चुके हैं कि आज आप सच को सामने लेकर के आ रहे हैं। मैं आपके सामने बोल सकती हूँ बीजेपी आईटी सेल से कहीं ज्यादा प्रभावी आप है, तो आप उनसे क्यों मांगते हैं, उन्हें आपसे मांगना चाहिए। आप अपेक्षा मत रखिए, अपने काम कीजिए।